हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आज ये दो डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। इससे हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन और इससे हम देखेंगे आपको लेकर करंट फीलिंग्स। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशंस क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में, किस एनर्जी में हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन। थ्री मोर कार्ड्स। वन मोर कार्ड। ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी कलेक्टिवली है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मींस स्ट्रेटजी कोई सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है, किसी सिचुएशन को लेकर प्लानिंग की एनर्जी में है, किस तरह से प्लान करना है जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो और सिचुएशन सॉर्ट आउट भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो साइन है कलेक्टिवली वो है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एरीज लियो सेजिटेरियस, जिसमें लियो और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वी हैव एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। साइन सभी है यहाँ पर, लेकिन जो साइन स्ट्रॉन्ग है वो है लियो एंड सेजिटेरियस। वी हैव पाइसिस ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में, कन्फ्यूजन। रीडिंग की शुरुआत आज कन्फ्यूजन से हुई है, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है, इवनिंग में ड्रीम, नाइट में ड्रीम, मतलब ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच कर भूल जाएंगे या सोच कर छोड़ देंगे चीज़ों को, यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है। कैसे? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव मजिशियन, वी हैव सन, एंड वी हैव टेम्परेंस। सो वी हैव 1 2 3 4 फोर मेजर अरकाना। फोर मेजर अरकाना मीन्स कुछ बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। चीज़ों को या तो बैलेंस कर लेंगे, फियर से बाहर निकल कर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बैलेंस करेंगे, जो नहीं मान रहा है उसे मनाने की कोशिश करेंगे, फैमिली नहीं मान रही या कोई अदर सिचुएशंस हैं, ये ऐसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ जैसा ये चाहते हैं, वैसी चीज़ें हो जाएँ। और अगर वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, अगर इनकी जो सोच है उसके ऑपोजिट चीज़ें जाती हैं, तो ये फियरलेस होकर उन चीज़ों को एंड करेंगे। मतलब इन्हें कोई डर नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो हो जाएं, बट जो सही है ये उस राह पर आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। समटाइम्स इन्हें बहुत ऐसा फील होता है जैसे ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करते हैं, किसी सिचुएशन में इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इनका सपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आउल, ये है विजडम, ये है नॉलेज, और ये है वो पर्सन जो कि बहुत हारा हुआ फील हो कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन साथ देता है? इनके खुद की नॉलेज, इनका खुद का इनर जो एनर्जी है, जो इनकी सोल है, वो इनको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं आपके पास अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने। यहाँ पर बॉटम से अगर हम बात करें तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार, मतलब ये होपफुल हैं कि चीज़ें इनके मुताबिक ही होंगी, इतना इनको विश्वास है कि जो भी ये प्लान कर रहे हैं, जो भी ये स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं, वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी सिचुएशन में। रीयूनियन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है आने वाले समय में। सो इनकी करंट सिचुएशन जो है वो भी मैंने आपको बता दी, जो कुछ दिन में होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर कलेक्टिवली निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स में क्या आता है।
प्लीज़ गाइड करें. करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है. विल टेक 5 कार्ड्स. करेंट फीलिंग्स डिसीट नंबर 25. नंबर 32 डोर टू स्पिरिट. 3 कार्ड और चाहिए थे जो हमें मिल गए हैं. बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो वी हैव द थिंकिंग वुमन, स्टॉर्म वार्निंग एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन. आने वाले 7 आवर्स, 16 आवर्स या 25 आवर्स हैवी होंगे. आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली होगी. तो स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं, स्पेशली अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का, अगर वो आप पर शक करते हैं तो आपको फीडबैक या रिएक्शन नेगेटिवली नहीं देना है. पॉजिटिवली आप उनको प्यार से समझा सकते हैं चीज़ों को, गुस्सा नहीं करना है. और अगर आप उन पर शक कर रहे हैं तो भी आप सतर्क हो जाइए. किसी भी बात को लेकर ट्रस्ट इशूज़, किसी भी बात को लेकर अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस शुरू होती है, कोशिश कीजिएगा कि उस बहस में आप पीसफुली उसको सॉर्ट आउट करें. अदरवाइज करेंट फीलिंग्स में है स्टॉर्म वार्निंग. ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है. सेपरेशन आ सकता है आप दोनों के बीच में, किसी तरह का सेपरेशन, सडन किसी बात को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई बहस शुरू हो जाए, या आपने एक लाइन बोल दी और वो उनको पिंच कर जाए, उसके बाद वो उस पर सोचते रहे और सडनली रिएक्शन दे दें ब्लॉक करके या नो कॉन्टैक्ट में डाल के. तो आपको स्पिरिट्स की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि करंट फीलिंग्स में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में अगर आपका सपोर्ट ना मिलके उनको आपकी तरफ से कोई ब्लेम मिलता है, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या उनको गुस्सा दिलाने वाली कोई भी हरकत होती है, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा. तो आपके लिए इट्स अ वार्निंग मैसेज स्पिरिट्स की तरफ से. आपके जो भी असेंडेंट हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले 7 आवर्स, 16 आवर्स या 25 आवर्स के बीच में आपको थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना है, अपने फोकस को खुद पर डाइवर्ट करना है, ताकि आपके पर्सन हील हो सके, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं उनको थोड़ा स्पेस मिल सके. तो ये आपको ध्यान देना है. ये वार्निंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कॉन्टैक्ट में है. जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और उस डिस्कशन में अगर आपने इन्हें कुछ ब्लेम कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है ताकि आप अवेयर रहें. देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का अंडरस्टैंडिंग. चीज़ों को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको भी इनको सोच समझ कर लेना है. बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर बिल्कुल मत कीजिएगा, कोशिश ऐसा कीजिएगा. सप्रेशन, यस, अलोननेस, ये बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं आने वाले टाइम में. वी हैव 9 एंड वी हैव 10. हर्मिट विद सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा जो होती है ना एक हर्टेक वाली एनर्जी, कि बहुत ज़्यादा अकेले रहना, रोना, परेशान होना, सिचुएशन कुछ भी इनके मुताबिक नहीं चल रही है, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ऑलरेडी डिप्रेशन में रहना, ऊपर से कोई और भी सुनाकर चला जाए, तो उस वजह से जो रिएक्शन निकलेगा वो थोड़ा तगड़ा हो सकता है. इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है. प्लेफुलनेस, आप कोशिश कीजिएगा कि आने वाले समय में अगर आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा अच्छे से बातचीत करते हैं, इन्जॉय करने को बोलते हैं, घूमने फिरने को बोलते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको कर रहे हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो आप उन्हें सपोर्ट करें. आप भी खुश रहने की कोशिश करें ताकि इनको आपसे पॉजिटिविटी रिसीव हो. पॉसिबिलिटीज़, ये सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ रिटर्न आ सकें, थर्ड पार्टी को ख़त्म करके, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं. One more card, angels.
एडवेंचर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इनको कुछ ना कुछ मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। इनके ड्रीम्स में, इनके रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे डिसीजंस ये ले सकते हैं जो गाइडेड बाय स्पिरिट्स हो सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में आपसे अगर बात हो रही है तो आने वाले 7 आवर्स या कुछ लोगों के लिए 25 आवर्स के अंदर अगर आपसे बात हो रही है तो कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही करें। और अगर वो डिप्रेशन में हैं तो उनके उसमें ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए कि क्या बात है, मुझसे डिस्कस करो, मुझे बताने की कोशिश करो, मैं हेल्प करूँगी या करूँगा। नो, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उनको बोलना है कि जो भी है वो बीत जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट रखो भगवान हमेशा साथ देंगे। इस तरह की आप उनको बूस्ट कर सकते हो ताकि वो भगवान की शरण में जाएं, वो सरेंडर करें। इस तरह की बातें आपको उनको बोलनी है ताकि उनका कॉन्शियसनेस जो है वो इम्प्रूव हो। मेडिटेशन करें, ऐसे भी आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि डू सम मेडिटेशन। कोई मंत्र आप उनको दे सकते हैं कि मन करे तो ये सुन लेना, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर जागृत होगी आपके पर्सन की भी, और आपके अंदर तो फेमिनाइन एनर्जी है ही, तभी आप इतने इमोशनल हो अपने पर्सन को लेकर। तो आपके पर्सन के अंदर के भी इमोशंस बाहर आने वाले हैं इस समय। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, कोई स्पेल करते हैं तो बहुत पावरफुली वर्क करेगा। मैंने दो दो स्पेल डाले हुए हैं, लव स्पेल बाय एम सिंह पहले डाला था और अभी एक हफ्ते के अंदर मैंने एक और लव स्पेल डाला है मेरे दूसरे चैनल टैरट विद एम सिंह पे। तो आप लव स्पेल बाय एम सिंह करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप जो अभी मैंने रिसेंटली डाला है वो भी कर सकते हैं, जो पहले डाला है वो भी कर सकते हैं, कोई एक आप चाहें तो स्पेल फ़िलहाल आप कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। उससे आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी चेंज आपको फील होगा। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर हैवीनेस लग रही है तो भी थोड़ा वॉक करें, थोड़ा ग्रीनरी में रहें, मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी देर ज़मीन पर बैठें। पैशन, रोमांस आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्पेशली ये न्यू मून हैवी है। न्यू मून के बाद चीज़ें धीरे धीरे करके वापस से सॉर्ट आउट होंगी, तो ये न्यू मून निकल जाए इतना आपको बचा कर रखना है चीज़ों को। सो हील करें, खुद को भी हील करें और अपने पर्सन को भी हील करें थ्रू मेडिटेशन। देन आगे आने वाले समय में मैजिक्स एंड मिरेकल्स आपका वेट कर रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। और अगर आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।